पिछले वीडियो में आपने ये देखा यह ऑयल पंप है जिसके द्वारा ऊपर ऑयल चकता है। इसका गैर ये निकल जाता है, इसको वापस फिट कर लेंगे। ये राउंड घूमता है तो ऑयल ऊपर चकता है। चैम्बर का ब्लॉक क्रैंक केस सब में इसी का ऑयल जाता है। इसको अंदर सेट कर लेंगे क्योंकि ये ग्रुप रहता है जो मैच नहीं होगा जब तक ये फंसेगा नहीं ऑयल पंप में। ऑयल पंप गैर सेट हो गया। क्लिस हाउसिंग बढ़िया साफ करके क्लिस हाउसिंग लगा लेंगे। ये अंदर कॉलर लगती है क्रैंक में, क्लिच में, हाउसिंग में, जिसके द्वारा ये क्लिस हाउसिंग बाहर ना आए। क्लिच हब, क्लिच व्हील अच्छी तरह साफ कर लेंगे। क्लिच प्लेट है, चार क्लिच प्लेट, तीन प्रेशर प्लेट, क्लिच हब में एक क्लिच प्लेट, एक प्रेशर प्लेट, एक के बाद एक डाल के उसको सेट कर लेंगे। एक क्लिच प्लेट सेट कर लेंगे, एक क्लिच प्लेट, एक प्रेशर प्लेट लगती है। इस प्रकार से ये चार क्लिच प्लेट, तीन प्रेशर प्लेट लगती हैं। ऊपर से क्लिच भी लगेगा। ये क्लिच हाउसिंग सेट कर देंगे, फिट हल्का सा हिलाएंगे जिसमें ये आसानी से बैठ जाए, ग्रुप मैच हो जाए। इसका वॉशर लगा लेंगे, ये उल्टी ठेठ का नट है, अपोजिट दिशा में घूमता है ये घड़ी की। स्पेशल टूल्स फंसाएंगे जिसके द्वारा इसको घूमने से रोका जाए, और कांचे वाली गोटी जो स्पेशल टूल्स हैं उससे इसको टाइट कर देंगे। अपोजिट साइड में हाथ घुमाएंगे जिससे ये टाइट हो जाए, ठेठ अपोजिट रहती है इसकी। क्लिच असेंबली टाइट हो गई। एक कीवे ढाल के सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर लगा देंगे क्रैंक में। इसका वॉशर डाल देंगे, कांचे वाला नट, स्पेशल टूल्स गोटी से इसको टाइट कर देंगे। इसकी सीढ़ी चूड़ी रहती है घड़ी की दिशा में, जिस प्रकार घड़ी कांटा चलता है जिस दिशा में, इसको फुल टाइट कर देंगे। क्लिच के छह स्प्रिंग लगते हैं, ये क्लिच में छह स्प्रिंग लगाएंगे। पहले आज कैप लगा देंगे सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर का, उसका लॉक अच्छी तरह साफ करके क्योंकि कई बार ये निकल जाता है, अच्छी तरह उसको सेट कर देंगे ग्रुप में। सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर फिट हो गया, ये ग्रुप घुमा के चेक कर लेंगे। क्लिच के छह स्प्रिंग उस पर क्लिच पे सेट कर देंगे। इसकी बैरिंग प्लेट और छह बोल्ट 10 नंबर टाइमी से टाइट होते हैं, 10 नंबर थ्रेड वाले, हल्का हल्का उसको फंसा लेंगे छह बोल्टों को, और स्प्रिंग सेट कर लेंगे। दस नंबर टाइमी से इन छह बोल्टों को, दस नंबर टाइमिंग से छः बोल्टों को टाइट करेंगे हल्का हल्का क्रॉस में, और स्प्रिंग सेट करते जाएंगे। स्प्रिंग सेट नहीं होंगे तो ये प्लेट टूट सकती है। छः बोल्टों को क्रॉस में टाइट करेंगे जिसमें ये प्लेट पूरी एक सी टाइट हो। टाइट करके पूरा धीरे धीरे टाइट करते रहेंगे इनको जब तक ये पूरी ना बैठ जाए प्लेट।
क्लिच कंप्लीट फिट हो गया, क्लिच चैम्बर साफ कर लेंगे बढ़िया, क्लिच चैम्बर क्लिच पैकिंग लगा के फिट कर देंगे। क्लिच चैम्बर के जो अपन ने 9 बोल्ट खोले थे पहले, उनको वापस टाइट कर देंगे। इनको भी क्रॉश में डालना है, क्रॉश में टाइट करना है। ये एक शेयर रहते हैं 9 बोल्ट, 8 की टाइमिंग से इनको टाइट कर देंगे क्रॉश में। ये साइड के बोल्ट टाइट कर देंगे 8 नंबर। क्लिच चैम्बर टाइट हो गया पूरा, क्लिच केबल फंसा देंगे, क्लिच केबल का बोल्ट टाइट कर देंगे। चैन टेंशनर लगा देंगे ब्लॉक में, जो चेन को एडजस्ट करता है टाइमिंग चेन को ऑटोमेटिक। 8 नंबर बोल्ट लगते हैं इसमें, थोड़े छोटे साइज के, इसको गोटी या टाइमिंग के सहायता से टाइट कर देंगे। टाइमिंग चेन टेंशनर खोल देंगे, टेंशनर खुल गया, नट लगा देंगे 10 नंबर, टाइट करने के 10 नंबर नट को। धन्यवाद।